सागर तुम्हारी बहुत बातें करता था, तो मैंने सोचा चलो आज तुमसे मिल ही लेते हैं। तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, अपना ही घर समझो। सागर प्लीज। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं और वो क्या करते हैं? जी मैं नोएडा से ही हूँ और काम की वजह से गुड़गांव रहती हूँ। पापा डॉक्टर हैं और मम्मी हाउसवाइफ। अच्छी बात है। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जी बिल्कुल पूछिए। सागर बता रहा था कि तुम उसके ऑफिस में उसकी सीनियर हो, मतलब उससे ऊंची पोस्ट पे हो, तो तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? मतलब उम्र बड़ी होने की वजह से रिश्ते नहीं आए या? माँ प्लीज। नहीं सागर कोई बात नहीं, वो आंटी जी मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि अब तक कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा था। ये तो है, क्या है ना शादी ब्याह जो है ना टाइम से हो जाए तो ही अच्छा रहता है, बाकी सब तो भगवान की मर्जी होती है। अब देखो हमने अपनी बेटी की शादी सिर्फ 25 साल की उम्र में कर दी। पता है अगर टाइम से शादी ना हो ना तो एक टाइम के बाद अच्छे लड़के मिलना मुश्किल हो जाते हैं। अब ज़्यादा उम्र की लड़की कितना भी मेकअप थोप ले वो बुढ़ी तो दिखने लगती है, और कुछ लड़कियाँ तो ऐसी होती हैं जो अपने से कम उम्र के लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। सागर मेरी कुछ अर्जेंट मीटिंग है, मैं चलती हूँ। रुको ना मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। नहीं कोई बात नहीं मैं चली जाऊंगी। माँ क्या था ये सब? ये तू मुझसे पूछ रहा है? अरे अगर आपसे ना पूछूं तो मैं फिर किससे पूछूं? आपने क्या किया है उससे? कितना रूड बिहेव किया आपने। देख सागर बचपन से लेके आज तक ना मैं तेरी हर बात मानती आई हूँ, लेकिन मेरे जीते जी ये लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। अरे तो माँ कौन सा, अभी हमने शादी के लिए प्लान कर लिया, हम तो जस्ट प्लान कर ही रहे थे ना, और इन फ्यूचर जब शादी होगी तो हो जाएगी ना। आप ये बताइए आपको मुस्कान से प्रॉब्लम क्या है? अरे चिल्ला क्यों रहे हो आप लोग, और मुस्कान कहाँ गई? मैं तो उससे मिली भी नहीं और चली गई वो। चली गई माँ की वजह से? माँ को दिक्कत ही इतनी है? हाँ मुझे है दिक्कत। अरे तुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, तेरी बड़ी बहन लग रही है वो। वैसे कितने साल बड़ी है तुझसे? माँ 4-5 साल बड़ी तो है, इसमें दिक्कत क्या है? नॉर्मल आजकल ये दिक्कत है, मुझे इस रिश्ते से दिक्कत है। खुद सोच तू 4-5 साल बड़ी है वो तुझसे, तेरी वाइफ कम तेरी बड़ी बहन ज्यादा लग रही है, और 2-4 सालों में देखना आंटी लगेगी वो। आजकल के बच्चे ना कुछ नहीं समझते, मॉडर्न बातें करने से ना समाज की सच्चाई नहीं बदलती। ये क्या बोल रही हो आप, और यहाँ पे एज डिफरेंस की बात कहाँ से आ गई माँ? और आपने मेरे पे तो शादी करवाई ना दीप से, वो तो 6-7 साल बड़े हैं मुझसे, तब क्यों नहीं सोचा था आपने ये सब? अरे बेटा लड़की की शादी में लड़के की बड़ी एज चल जाती है, पर लड़के की शादी में लड़की की बड़ी एज नहीं चलती। अरे औरत की एज कुछ सालों में ज्यादा दिखने लगती है। माँ बस कीजिए, बहुत हो गया आपका, अब हमेशा लड़कियों को नीचा दिखाती रहती है। मुझे लगा मेरी माँ मेरी शादी करवाएंगी, मुझे सपोर्ट करेगी, जहाँ मुझे अपनी माँ की जरूरत होगी आप वहाँ मेरा साथ देंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। और माँ तब की बात कुछ और थी, तब लड़कियों की शादी जल्दी करवा देते थे या फिर ज्यादा उम्र के लड़के से शादी करवा देते थे ताकि सेफ रहे सिक्योर रहे बस, पर आज की बात ना अलग है। आज लड़कियाँ पहले इंडिपेंडेंट होती है, अपना करियर बनाती है, उसके बाद शादी के बारे में सोचती है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, खुद का डिसीजन ले सके। तो आप भी टाइम के साथ बदल जाओ ना प्लीज। पर बेटा तू तो अपने पति के साथ खुश है ना, मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। क्या खुश हूँ मैं माँ, वहाँ मेरी कोई खुद की पहचान नहीं है, कुछ भी करने से पहले वहाँ पे मुझे सबसे परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद मैं कुछ कर पाती हूँ। और मुझे आपके पास आने के लिए भी ना उनसे विनती करनी पड़ी है, तब जाके उन्होंने मुझे यहाँ आने दिया है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ माँ कि आपने मेरी शादी क्यों ऐसे करवाई, मैं बस इतना कह रही हूँ जो गलती आपने पहले की है ना उसे दोबारा मत दोहराओ। आप बस भैया की खुशी के बारे में सोचो और कुछ नहीं प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, मान लो मैं इस रिश्ते के लिए मान भी जाती हूँ, लेकिन बेटा समाज का क्या, दुनिया का क्या? आप एक बात बताओ, आप अपने बच्चों से प्यार करती हो या फिर अपने समाज से? कल को हमारे साथ कुछ हो जाए या हम भूखे मर रहे होंगे, क्या आपका समाज आएगा हमारे साथ खड़े रहने के लिए? और आप भाई को देखो ना, वो मुस्कान को इतने प्यार से लेके आए आपसे मिलवाने के लिए, आपकी परमिशन मांग रहे, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं आपको। अगर वो चाहते तो मुस्कान से ऐसी शादी कर सकते थे ना, शादी करके भी आ सकते थे, और आज आप उन्हें शादी करने के लिए मना कर रहे हो। कल को वो भाग जाएंगे या अपने साथ कुछ कर लेंगे गलत, तब क्या कर लोगे आप? भाई की खुशी से बढ़कर कुछ और तो नहीं है ना माँ, उनके बारे में सोचो ना आप, छोड़ दो समाज वाज ये सब कुछ नहीं है, बस उनके बारे में सोचो। हाँ ठीक है पूजा,
तुम मुस्कान के घर वालों को फ़ोन कर दो कि कल हम अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रहे हैं, अपने बेटे की खुशियाँ मांगने। क्या सच में माँ? हाँ सच में, मेरी आंखों पे ना समाज की पट्टी बंध गई थी, जो देखती आई वो ही करती आई, लेकिन अब और नहीं, अब मैं सिर्फ अपने बच्चों की खुशियाँ देखूँगी। थैंक यू माँ।